हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का पार्ट नंबर सिक्स पढ़ेंगे यानी कि आज इश्यू ऑफ डिबेंचर की सेकंड लास्ट क्लास है क्योंकि कल की क्लास में हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे मैंने कहा था कि इशू ऑफ डिबेंचर को वन वीक में खत्म करेंगे और विद इन सेवन क्लासेस हम लोग पूरा का पूरा इशू ऑफ डिबेंचर खत्म करेंगे जो एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको सिक्स नंबर देखा जाएगा आज जो हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बहुत मुश्किल नहीं है आसान सा टॉपिक है क्लास कुछ एंट्रीज़ हैं दो से तीन जिनको आपको लर्न करना है और ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा आप सबको पता है कि डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हमने लोन लिया हुआ है पब्लिक से यानी हम कंपनी है हमने पब्लिक से लोन लिया हुआ है और पब्लिक को हर साल ब्याज देते जा रहे हैं इंटरेस्ट हम लोग देते चले जा रहे हैं और ये जो इंटरेस्ट है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंपनी इसकी जर्नल एंट्री क्या करती है वही हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं तो नोटबुक निकाल लो और हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने देखा होगा लिखा रहता है नाइन परसेंट डिबेंचर्स तो ये जो नाइन परसेंट है इसी को कहते हैं कूपन रेट मैंने पहले भी बताया था आपको या इंटरेस्ट रेट सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू क्लास आप ध्यान रखना डिबेंचर मेरी बात ध्यान से सुनो कान खोलो ध्यान सुनो और इस बात को लिखना कमेंट सेक्शन में डिबेंचर चाहे पार पे इशू हुआ हो चाहे प्रीमियम पे इशू हुआ हो चाहे डिस्काउंट पर इशू हुआ हो रिडीम चाहे पार पे हो चाहे प्रीमियम पे हो डिबेंचर्स चाहे पार पे इशू हुआ हो प्रीमियम पे इशू हुआ हो डिस्काउंट पर इशू हुआ हो या डिबेंचर्स रिडीम हुआ हो पार या प्रीमियम पे हमें कोई भी लेना देना नहीं है इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही लगेगा एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू सौ है इंटरेस्ट है दस परसेंट इस नब्बे में रिडीम 110 में किया गया है मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया कि इशू किस पे किया है रिडीम किस पे किया है मैं सीधा क्लास एक डिबेंचर ही है सौ रुपये का एक है फेस वैल्यू तो सौ रुपये बनते हैं सौ का दस परसेंट दस रुपये हर साल मुझे दस रुपये का इंटरेस्ट पब्लिक को देना है और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है इसीलिए ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है

इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का दूसरा नाम देना है और फिक्स है तो नाइन परसेंट देना ही देना है और, तो और किस साइड जाता है डेबिट साइड क्योंकि ये खर्चा है ओके okay? चलो अब हम इसकी जनल एंट्री देखेंगे और टीडीएस के साथ देखेंगे पिछले साल टीडीएस नहीं था सिलेबस में एक्सक्लूड था बट इस साल टीडीएस हम लोग पढ़ के चलेंगे अच्छा टी क्या होता है टी का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैं तुम्हें समझाता हूँ कि टी का मतलब क्या होता है राइट ये रहे हम सब आम जनता इसने कंपनी में लगाए दस लाख रुपए मतलब इसने कंपनी के दस लाख के डिबेंचर लिए हैं इसने कंपनी के बीस लाख के डिबेंचर लिए हैं इसने कंपनी के तीस लाख के डिबेंचर लिए हैं इसने कंपनी के 40 लाख डिबेंचर लिए हैं कंपनी का नाम है टाटा ठीक है टाटा सन्स या कोई और कंपनी मान लेते हैं ठीक है मैं इसको ना हेवेल्स है, ले लेता हूँ ठीक है हेवेल्स या आईटीसी कुछ भी ले लो टाटा सन्स तो क्लास इंडस्ट्री होगी पूरी में आई ले लेते हैं आई टी सी ठीक है इंडियन टोबैको कंपनी आई टीसी, अब हमने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं हम जैसे चार की जगह चार सौ भी हो सकते हैं राइट तो कंपनी तो कहती है ठीक थी। है यार तुमने शेयर्स ले रखे हैं हम तुमको इंटरेस्ट देंगे तो कंपनी हमें इंटरेस्ट देती है इंटरेस्ट माल डिवेंचर है टेन परसेंट तो इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा क्लास दस लाख का एक लाख इसको मिलेगा दो लाख इसको मिलेगा तीन लाख इसको मिलेगा चार लाख तो जैसे हर इंसान अपनी इनकम कमाता है तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 उसे अपनी इनकम पे सरकार को टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स तो इन लोगों ने भी तो इनकम कमाई है तो इन लोगों को भी अपनी इनकम पे इंटरेस्ट इनकम ही तो मान लो मुझे क्लास विरासत में हैं पाँच करोड़ रुपये मिल गए मैं पाँच करोड़ की अफ करा लूँगा हर साल मुझे जो है वो थर्टी थर्टी लाख रुपीज़ मेरे को हर साल मिलता चला जाएगा अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं तीस लाख रुपये तो बहुत होता है तो कहने का मेरा मतलब क्लास ये है कि जब लोग इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो लोगों को इस इंटरेस्ट पे सरकार को टैक्स देना चाहिए तो सरकार कहती है भाई टैक्स दो इन सबको अब ये लोग टैक्स नहीं देते कौन देना चाहता है टैक्स अब मान लो दस परसेंट का टैक्स है तो ये दस हज़ार रुपये क्यों देगा सरकार को ये बीस हज़ार रुपये क्यों देगा तीस हज़ार क्यों देगा चालीस हज़ार क्यों देगा इतना सारा टैक्स ये लोग क्यों देंगे तो आमतौर पर बचते हैं नहीं देना चाहते टैक्स कौन देना चाहता है कोई भी नहीं तो सरकार परेशान हो गई कि यार इतने सारे लोग हैं सबको पकड़ो सबको देखो बड़ी टेंशन का काम है लोग नहीं देते पैसे तो सरकार सीधा पकड़ती है आई कंपनी को पकड़ना आसान है कंपनी अकेली है और ऐसे हजारों इन्वेस्टर्स को डिबेंचर होल्डर्स को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है ठीक है तो सरकार कहती है भाई सुनो आई से कहते देखो धंधा करना है मेरी बात मानना तो गवर्नमेंट क्या कहती है आई से भाई देख तुम जिस जिस को भी इंटरेस्ट दे रहे हो उसमें से टैक्स काट कर दो मतलब तुम इसको दस लाख मत दो तुम इसको नौ लाख रुपए दो तो कंपनी कहती है भाई फिर ये बंदा पूछेगा नहीं मुझसे मेरा इंटरेस्ट दस लाख बनता है तुमने नौ लाख क्यों दिया तो ये फिर समझा देगा कि भाई देख सरकार की डायरेक्शन से सरकार ने ऐसा बोला है कि तुम्हें जितना भी इंटरेस्ट जाएगा वो टैक्स कट के जाएगा तुम्हें अगर ये टी का पैसा वापस लेना है तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो सरकार से वापस ले लो वापस भी ले सकते हैं ठीक है तो पर हम उस बारे में जाएंगे नहीं हमारा सिलेबस का वो मुद्दा नहीं है मेरा मुद्दा तुम्हें समझाने का क्या है यहाँ पे कि कंपनी खुद ही इन सबके बिहाफ में टैक्स काट लेती है और फिर इनको ब्याज देती है तो जो टैक्स सोर्स जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं से कट गया उसको बोलते हैं टी आई होप समझ आ गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो पैसा जहाँ से मिल रहा है इनकम जहाँ से आ रही है ना वहीं से जब टैक्स कट के आता है दिस इज़ कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जितने भी लोग आपके घर में पक्का इन सारे ऑडियंस देख रही है सैलरी वाले लोग होंगे पापा मम्मी भाई बहन कोई सैलरी पे काम करता होगा और सैलरी अच्छी खासी होगी मतलब पचास हज़ार से ऊपर की सैलरी होगी तो पक्की बात है उनकी सैलरी से भी टी कटता होगा मतलब उनका जो टैक्स है ना कंपनी काट के सैलरी देती है तो बेचारे सैलरी वाले फंस जाते हैं वो टैक्स का कुछ वो मतलब कुछ नहीं टैक्स चोरी कर सकते क्यों जहाँ से इनकम आ रही है वहीं से टैक्स कट के आ रहा है तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन टैक्स इवेजन नहीं कर सकते वो तो ये समझ आ गया तो जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी टैक्स काट के ही मुझे इंटरेस्ट देगी दिस इज कॉल्ड टीडीएस तो अब इस सिचुएशन में क्लास इन सबका टैक्स कंपनी खुद काटेगी कंपनी क्लास सरकार को टैक्स दे देगी दे और पब्लिक को सबूत के तौर पे एक सर्टिफिकेट दे देगी एक फॉर्म दे देगी इसको क्लास आप टीडीएस सर्टिफिकेट समझ लो ठीक है ये है पूरी की पूरी कहानी टीडीएस की उम्मीद है क्लास आपको पूरा समझ आ गया होगा अच्छे से टी का क्या है सब लफड़ा अब हम चलते हैं क्लासेस की जनल एंट्री पर इसकी एंट्री कैसे होगी राइट तो कंपनी जब क्लास इंटरेस्ट को ड्यू करेगी सबसे पहले क्या होता है इंटरेस्ट ड्यू पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा और फिर क्लास इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी तो जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो एक जनल एंट्री पास करती है कंपनी क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और ये एंट्री तुमको याद रखना है हमेशा ध्यान रखना हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो जो भी इंटरेस्ट है मान लेते हैं सौ रुपए का इंटरेस्ट है टू डिबेंचर डिबेंचर होल्डर होल्डर अकाउंट को नब्बे मिलेगा टू टीडीएस पेबल दस रुपए टी डी एस तो जितना भी इंटरेस्ट है उसका दस परसेंट का टीडीएस जाता है अगर बुक में कोई और परसेंटेज हो तो अप्लाई कर देना मेरे हिसाब से दस ही है तो दस ही लिखा रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू टी डी एस पेबल ठीक है अब इसकी आप पेमेंट करोगे अब इस टैक्स की क्या करोगे क्लास आप पेमेंट करोगे तो जब आप इसकी पेमेंट करोगे टैक्स की तो पेमेंट की एंट्री कैसे करोगे ध्यान से देखो जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट करोगे जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट जो क्रेडिट हुआ उसको आप डेबिट करोगे डिबेंचर जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिबेंचर होल्डर तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट नब्बे रुपए टी डी एस पेबल डेबिट दस रुपए टू बैंक तो सौ रुपए कंपनी ने पे कर दिया कंपनी जेब से सौ ही गया लेकिन पब्लिक को मिला नब्बे और दस रुपए किसको मिला सरकार को अब साल के एंड में साल के एंड में यानी कि थर्टी फर्स्ट मार्च को जितना भी इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से गया है क्योंकि वो खर्चा है तो सारा का सारा खर्चा कहाँ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट कितना खर्चा है इंटरेस्ट का सौ रुपये जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया पहली बात तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे तो फेस वैल्यू अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे ध्यान से समझना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जितने भी डिबेंचर की फेस वैल्यू है उस पर हम परसेंटेज लगाएंगे तब आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर छः महीने का है तो छः महीने का साल भर का है साल भर का फिर ड्यू करेंगे इंटरेस्ट मान लो सौ रुपये आ गया टी मान लो दस परसेंट है तो सौ रुपये का दस परसेंट दस तो नब्बे रुपये जो बैलेंस है वो मिल जाएगा डिबेंचर होल्डर को फिर ये दोनों को आपने क्रेडिट किया इन दोनों को डेबिट करके टू बैंक फिर जितना भी इंटरेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पी एंड एल के डेबिट साइड चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खत्म ये है क्लास आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की <coughs> मैक्सिमम जर्नल एंट्री यही है आप इंटरेस्ट पहले ड्यू फिर पेमेंट फिर सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चला जाएगा अब हमारे सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं ब्राइट लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने इशू किया पेपर में आ चुका ऑलरेडी क्वेश्चन है जिन्होंने इशू किया पाँच हज़ार टेन परसेंट डिबेंचर्स ऑफ हंड्रेड ईच ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कब इशू किया है साल के शुरू में द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एज पर द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन थर्टी सेप्टेंबर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टी डी एस टेन परसेंट भाई सबसे पहला जो इंटरेस्ट है वो तीस सितंबर को जाएगा फिर जो दूसरा इंटरेस्ट है वो तीस इकतीस मार्च को मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट साल में दो बार की जाती है अच्छा ठीक है पास द एंट्री रिलेटेड दिट इंट डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर देंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पास करनी है और साथ में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है कहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कितने डिवेंचर है ध्यान से सारे बच्चे देखना इंपॉर्टेंट चीज़ पाँच हज़ार डिबेंचर सौ का एक अब चाहे ये इशू पार पे वैसे इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है लेकिन ये इशू किसी पे भी हो रहा सही क्वेश्चन में कुछ भी लिख देता तो भी तुम पांच हजार इंटू सौ करते फेस वैल्यू अमाउंट बनता पांच लाख इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यही दस परसेंट है तो पांच लाख का दस परसेंट बनता है पचास हजार पर तुम साल में दो बार दोगे तो पच्चीस पच्चीस पचास हजार है साल में दो बार दोगे पच्चीस पच्चीस <coughs> तो एंट्री क्या करोगे ध्यान देखना पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट पच्चीस हजार टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टी डी एस पेबल तो बेटा इंटरेस्ट इस छह महीने का पचास नहीं पच्चीस है जिसका दस परसेंट बनेगा पच्चीस सौ तो जो डिबेंचर होल्डर को मिलेगा वो बाईस पाँच सौ मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है पच्चीस हजार का लेकिन डिबेंचर होल्डर को मिलेगा सिर्फ ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्योंकि बाकी क्लास सरकार को कंपनी खुद टैक्स पे कर देगी पब्लिक के बिहाफ में डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में टू तो टीडीएस पेबल फिर अगली एंट्री जिनको आपने डेबिट किया उनको आपने क्रेडिट करना है तो आपने डेबिट किया था इन दोनों को आप इनको क्रेडिट करो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट बाईस पाँच सौ टी डी एस पेबल अकाउंट डेबिट पच्चीसो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट सॉरी टू बैंक पेमेंट करोगे ना आप जो दोनों को आपने क्रेडिट किया था उन दोनों को आपने डेबिट किया खत्म कर दिया पच्चीस हजार की पेमेंट कर दी ये आपने एंट्री कर दी थर्टी एथ सेप्टेंबर को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल डिवेंचर होल्डर डेबिट टी डी एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अब थर्टी फर्स्ट मार्च को सेम एंट्री रिपीट होगी ये दोनों एंट्री तुम पेपर में सेम मतलब क्या ना तुम पूरा एंट्री करके आओगे और तुमसे पेपर में इकतीस मार्च की ही पूछेगा थर्टी फर्स्ट मार्च को तुम ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम करके आओगे हु बहू सेम कुछ भी अंतर नहीं है नथिंग चेंज बस तुम एक एक्स्ट्रा एंट्री करोगे क्लास थर्टी फर्स्ट मार्च को वो करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पचास हजार पचास हजार छः महीने का इंटरेस्ट 25 फिर ये सेम एंट्री रिपीट होगी इसका भी इंटरेस्ट 25 25 25 दोनों को मिलाकर कितना आ गया 50 तो जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 50,000 का ओके okay, उम्मीद है क्लास की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर समझ गए आप अच्छे से ड्यू की पेमेंट की एंट्री यहाँ भी ड्यू की पेमेंट की और साल के एंड में जितना भी इंटरेस्ट था अभी साल में तुम दो बार इंटरेस्ट दे रहे हो 25 25 करके भाई टोटल तो 50 है हम हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी बांटते हैं बट हम जब पी एन अकाउंट बनाएंगे वहाँ तो पूरी सैलरी दिखाएंगे तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा पचास हज़ार का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा तुम्हें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी ऐसे ही एक और सवाल बना लेना या फिर इन एंट्रीज को लर्न कर लेना दैट इज़ मोर देन इनफ बाकी मैं आगे वन शॉट लेके आऊँगा बहुत सारे रिवीजन सीरीज आएंगे प्रैक्टिस पेपर आएगा उन सब में हम लोग डीपली स्टडी कर लेंगे इनको उम्मीद है क्लास कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक समझ आ गया इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे या कोई इंटरेस्ट निकालने के लिए ही पूछ ले आपसे और एंट्री तीन है इंटरेस्ट को ड्यू करने की इंटरेस्ट की पेमेंट करने की और उस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल में डालने की अगर साल में दो बार दे रहे हैं तो दोनों का जोड़ के जो इंटरेस्ट पूरे साल का बनता है उस पूरे साल के इंटरेस्ट को पी एंडल में डेबिट साइड डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उम्मीद समझ आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करना कॉमेंट भी मुझे बताना समझ आया कि नहीं यहाँ पे ईकोर बी एस का प्लेलिस्ट है आप इसको भी चेक कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक ले टेक केयर बाय बाय